ज्ञानवापी मामले में केस ट्रांसफर को लेकर आज सुनवाई हुई। हमारे साथ महिलावादी अधिवक्ता सभी जन मौजूद हैं। सुधीर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ? 2:30 बजे पत्रावली पेश हुई, भी व्यस्तता के चलते हम लोग थे वहाँ पर। फिर हुआ कि 3:30 बजे से सुनवाई होगी, 3:30 बजे फिर हुआ कि एक डेट ले लिया जाए। न्यायालय में कार्य लोड आज ज़्यादा है, साथ साथ फाइलों में टीए सुनना है, और साथ ही जितेंद्र सिंह बिशेन 350/21 मुकदमा में अन्य वादियों के साथ वादी हैं, उन्होंने आपत्ति दाखिल किया है। उसके लिए मुझे सुनना पढ़ना पड़ेगा, उसका ज्वाइंडर भी देना पड़ेगा, प्रत्यापत्ति देनी पड़ेगी, इसलिए 20/12 को डेट लगा दिया गया है। आरोप ये लग रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर केस में देरी कर रहे हैं, तारीख पे तारीख ले रहे हैं, कहाँ तक सही है? एक पैसा सही नहीं है, और मैं आपके माध्यम से आपको और सभी लोग बता देना चाहता हूँ कि वही मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन कम से कम तेज गति से चलेंगे तो 4-5 साल में निस्तारण करेंगे। 91 का मुकदमा 22 तक कहाँ तक पहुँचा है आप लोगों से छिपा नहीं है, और वही मुकदमा अगर सिविल जज सीनियर के आदेश के बाद जिला जज डिवीजन सुनेंगे कम से कम 5 साल डिवीजन में लगेगा। 10 साल का समय कीमती समय होता है भाई साहब। अगर मैं सिविल जज सीनियर डिवीजन का पत्रावली मंगा रहा हूँ जिला जज के यहाँ, तो कौन सा साक्ष्य सबूत अधिक पढ़ देंगे आप? वही सबूत पढ़ेंगे जो मंदिर साबित करने के लिए पढ़ेंगे। यदि आपकी मंशा साफ है तो हाथ हाथ मिला करके सबूत पढ़िए, फब्बारा नहीं सीलिंग साबित करिए। और रही बात स्वामित्व की, रही बात मुझे सौंप दिया जाए, आप कौन होते हैं सौंप लेने के लिए? ये सनातन का है, आपका व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं मिल सकता है। और जिस मंदिर का स्वामी होता है वहाँ का देवता ही उसका स्वामी होता है। तो आप एक कर देने से आप अगर पीछे हट रहे हैं, तो मैं तो एक डेढ़ दो डेट लग रहा न्यायालय की व्यस्तता के चलते, आप तो कई वर्षों पीछे ढकल देना चाहते हैं। अभी भी आपको सद्बुद्धि आ जाए, मेरे साथ मिलकर के लड़िए, पूरे मुकदमा एक करिए, और फब्बारा नहीं उसको सीलिंग साबित करिए। अब शंकर जी का वो संपत्ति है और सनातनियों का है, किसी का दिक्कत नहीं है। के बाहर भी दो फाड़ की स्थिति देखने को मिल रही है, और वादी हमारे साथ मौजूद हैं। मांग क्या की है आप लोगों? हम लोग मांग कुछ नहीं की, हम लोग चाहते हैं कि सबके मिल के मतलब लड़े और सारी पत्रावली एक हो जाए, सारा मुकदमा हम लोग का एक हो जाए, हम लोग मिल के लड़े। सुभाष जी, वो तो कह रहे हैं कि ये दूसरी चीज़ है और वो दूसरी चीज़ है, क्या है वो चीज़, क्या है और ये चीज़ क्या है? कहीं देखिए, आपको बताएं, ये मूल एक ही प्रकृति का मुकदमा है, ये सारे मुकदमे एक प्रकृति के हैं। प्रॉपर्टी सूट सब एक ही प्रॉपर्टी 91-30 का मामला है, ज्ञानवापी आदि विशेश्वर का मामला है। आप कह रहे अलग, कैसे कह रहे हैं? उसी प्रॉपर्टी का मामला सारे जितने भी मुकदमे ज्ञानवापी के संदर्भ में है, 91-30 जो अराजी नंबर है उसी के संदर्भ में है। प्रॉपर्टी सूट वही है, नेचर सबका वही है, मांग लगभग सबका वही है। तो जब सारी चीज़ें एक हैं तो क्यों न्यायालय, आप उसी मुकदमे को जिला न्यायालय सुन रहा है, उसी मुकदमे को जो है लोअर कोर्ट सुनेगा, लोअर कोर्ट सुनने के बाद फिर जिला न्यायालय क्या आएगा, जिसमें जिला न्यायालय ने कल फैसला अगर दे दे उसी मुकदमे, फिर दूसरा मुकदमा वहीं चला आया उसी ने। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने कहा कि जिला न्यायालय स्वयं सुने, और सुनने के बाद न्यायालय का भी समय बचेगा। आप 2-4-5 साल की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत ये ख़त्म हो, इसलिए न्यायालय को सुनने दीजिए, जिला न्यायालय के यहाँ न्यायालय की सुविधा होगी। इसलिए ये कहना कि वो मुकदमा अलग है, ये मुकदमा अलग है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सारा प्रॉपर्टी सूट वही उसी प्रॉपर्टी का है, आदि विशेश्वर का 91-30 का। आज क्या हुआ और डेट कौन सी? आज देखिए 20 दिसंबर की तिथि निश्चित की गई, कारण वर्कलोड जो है कोर्ट पे काफ़ी था, क्योंकि सेंट्रल बार एसोसिएशन का बार का यहाँ चुनाव चल रहा है, जिसके चलते इधर न्यायालय भी बाधित हो रहा है, इसलिए सारी फाइलों का लोड आज न्यायालय पर काफ़ी था, जिसको देखते हुए हम लोगों ने भी, न्यायालय ने भी सहमति जताई कि 20 तारीख को खाली रहेंगे, 20 तारीख को विधिवत सुनेंगे, और हम समझते हैं कि 20 को इसको निस्तारण होगा और सारे मुकदमे एक जगह क्लब कर लिए जाएंगे। जिला जज की अदालत में ये सुनवाई चल रही है सुभाष जी, लेकिन ये ऊहापोह की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? हिंदू पक्ष का जो दूसरा धड़ा है वो अलग आरोप लगा रहा है, वो कह रहे हैं कि आप केस बढ़ाते जा रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि वो केस बढ़ाते जा रहे हैं, आखिर केस में कहाँ बढ़ाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है? देखिए नीतीश जी, हमारा मानना है कि ये लड़ाई हमारा आपका व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत इश्यू बना के मत लड़िए। आप जो है आदि विशेश्वर की लड़ाई लड़ रहे हैं, 100 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसकी लड़ाई लड़िए। इसलिए जहाँ देखिए कि जब सारे लोग मिल के सारे फोर्सेज जब एक जगह लड़ेंगे तो समाज पूरे देश को फायदा होगा, आदि विशेश्वर को फायदा होगा, जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसको फायदा होगा। इसलिए इधर उधर बट के लड़ने में कोई लाभ नहीं है, और आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो 20 तारीख अगली डेट, और अगली डेट पर यह देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा, वाराणसी। अधिवक्ता शिवम गौड़, आरोप क्या है? देखिए आरोप नहीं है, प्रूव करेंगे, फ्रॉड है तो फ्रॉड है। राखी सिंह मुकदमा जो रिवीजन आज हाईकोर्ट के सामने पेंडिंग है, उसको डिसमिस कराने के लिए
इसके साथ भगवान आदि विशेश्वर विराजमान को डिसमिस कराने के लिए जिस मामले में जमीन मांगी गई है उस मामले को डिसमिस कराने का इससे अच्छा षड्यंत्र नहीं हो सकता था जो चार वादियों के द्वारा किया गया है। 30 नवंबर को जब हम पहली बार न्यायालय में अपीयर हुए, 21 तारीख को न्यायालय आदेशित कर चुका था कि कॉपी सप्लाई कर दी जाए, 30 तारीख तक 10 दिन तक हमें कॉपी नहीं दी गई। 30 तारीख को कोर्ट की डाइस पर जब कॉपी मिली, 1 तारीख को 24 घंटे के अंदर हम रिप्लाई फाइल कर चुके थे कोर्ट के अंदर, हम आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार थे, 5 तारीख की डेट रखी गई 30 तारीख के बाद, हम उस दिन भी तैयार थे। 5 तारीख को रिजॉइंडर लेकर के ये लोग अपीयर हो जाते हैं, रिजॉइंडर दे रहे हैं, हम उसके बाद भी बावजूद आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार थे, हम उसके फ्रेशली आंसर करेंगे, फ्रेश एलिगेशन है उसका, फ्रेश एलिगेशन का भी आंसर करने के लिए रेडी है, लेकिन फिर 7 तारीख के लिए इन्होंने रखवाया। 7 तारीख को कॉन्डोलेंस के चलते सुनवाई नहीं हुई, आज की डेट निर्धारित की गई, आज आर्गुमेंट होनी थी, आज कोर्ट बैठा है, प्रोसीडिंग चल रही है, 4 फाइल के बाद हमारी फाइल आनी थी, सुनवाई होनी थी, आर्गुमेंट होना था, आज हम डिस्पोज करने की तैयारी से थे, लेकिन इन्होंने समय ले लिया। फाइल करने के बाद में आप समय क्यों ले रहे हैं? हाई कोर्ट में जो राखी सिंह के मामला जो मेटरनेबिलिटी 12 सितंबर को माननीय जिला न्यायालय ने अफर्म की थी, डिक्लेयर करी थी, उसके खिलाफ जो एलिगेशन अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने लगाए, उसके साथ साथ भगवान आदि विशेश्वर विराजमान मामले की जो 17 नवंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट मेंटेनेबिलिटी कंफर्म करता है, उसमें जो एलिगेशन अंजुमन इंतजामिया कमेटी के हैं, उन सभी एलिगेशन को कंफर्म करती हुई एक ट्रांसफर एप्लीकेशन चार वादिनी ने कोर्ट में मूव की है। यदि इस ट्रांसफर एप्लीकेशन को उठा करके हाईकोर्ट में सबमिट कर दिया जाएगा, राखी सिंह के मुकदमे को खारिज कर दिया जाएगा। इस तरह का कॉन्स्पिरेसी सामने सामने कोर्ट के अंदर क्लियर की जा रही है। सवाल यह है कि जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि हम सब साथ मिलकर एक जगह लड़ना चाहते हैं, तो फिर आप अलग होकर क्यों लड़ना चाहते हैं? दोनों के बीच की जो बात है, देखिए दूसरे पक्ष की बात यह, राखी सिंह केस को भी मैं लीड करता आ रहा हूँ, राखी सिंह की तरफ से आज भी मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, राखी सिंह केस अलग है। राखी सिंह केस के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो भगवान आदि विशेश्वर विराजमान मामले से संबंधित हो, पहली चीज़। दूसरी बात आती है राखी सिंह मामले में, राखी सिंह भी है, राखी सिंह को तो नहीं लगी ये जरूरत कि सब केसेस को मर्ज कर दिया जाए, क्लब कर दिया जाए, कंसोलिडेट कर दिया जाए। अगर नीयत साफ थी, बोनाफाइड थी, इंटेंशन क्लियर थी, तो क्यों स्टे की डिमांड की गई भगवान आदि विशेश्वर विराजमान मामले पे? क्यों डिसमिसल की क्लियर डिमांड की जा रही कि भगवान आदि विशेश्वर विराजमान मामले को डिसमिस कर दिया जाए? जिस मामले में ज्ञानवापी की जमीन मांग ली गई है, कोर्ट का कहना है हम इसको सुनेंगे, उस मामले को डिसमिस कराने की डिमांड कर रहे हैं लोग, और आज चौथी बार कोर्ट से भागे हैं, हमें सुनवाई नहीं चाहिए, आगे के लिए प्रोसीड कर दिया जाए, 2021 के लिए इसको रखा गया है 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई के लिए, आर्गुमेंट के लिए कोर्ट ने को कहा है कि आप इसको आर्गुमेंट कर लीजिए, लेकिन 4 बार भाग चुके हैं, अब देखते हैं आगे कब आर्गुमेंट होती है। तो सामने जो स्थितियां हैं उनके आधार पर अब 20 तारीख का इंतजार करना होगा, और देखना यह होगा कि 20 तारीख को जब कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करती है तो ये एक पक्ष के दो धड़े कौन सी अपनी दलील रखते हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।